Hello guys, assalamualaikum. So yes, everyone can hear me all right? ठीक है, आज what we're going to do is कि हमने शुरू किए हुए थे salivary glands, ठीक है, और that was the last topic हमारा third substance का. तो हम salivary glands को आज wrap up करेंगे. कोई सवाल है, कोई चीज revise करनी है, उसे आज revise करेंगे salivary glands में, and we'll just finish up with that. फिर नेक्स्ट क्लास जो इंशाल्लाह सैटरडे को है, उसमें हम थोड़ा सा रिवीजन शुरू करेंगे पिछली सबस्टेज की. 10-10 मिनट्स दिया करेंगे किसी एक टॉपिक को. पिछले एक दिन रात को हम डिसाइड कर लिया करेंगे उससे पिछली रात को म्यूचुअली कि हमने कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, एंड देन वी विल रिवाइज दैट इन द मॉर्निंग फॉर 10-15 मिनट्स टुगेदर, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद सबस्टेज 4 के टॉपिक्स. क्योंकि सबस्टेज 4 मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई. हाँ, मैंने अभी नहीं शेयर की, मैंने भी शेयर नहीं किया, मैं करती हूँ. तो इस तरह करेंगे, ठीक है गाइस, दैट इज द प्लान फॉर नाउ कि हम आज इसे खत्म करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स को, और इसे थोड़ा सा री रिवाइज भी कर लेते हैं. थोड़ा सा ही रह गया था हमारा. सो व्हाट आई विल डू इज दैट इफ यू गाइस वांट वी विल गो बैक टू हाउ डू आई ओपन इट. ये अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम मैम. ये ना आपको होस्ट बना रहा हूँ मैं, लेकिन अगर बच्चे ना एडमिट आएंगे ना तो उनके एडमिट करते जाइएगा, अक्सर उनकी मीटिंग लीव हो जाती है बार बार. हाँ जी ठीक है, वो मुझे नजर आता रहता है ऊपर. ठीक है, उनको आप एडमिट करते जाइएगा, मैं आपको बना रहा हूँ. ठीक है जी. फिजा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? मैम 9:36 है. क्या है? 9:36 है. 9:36 क्या है? वो जो पेज नंबर है मैम. अच्छा ठीक है, वो टेक्स्ट कर लो. और फिजा, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैं जो ना अनम्यूट ऑल कर दिया मैंने सबको. फिजा यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? टेल मी. राइट गाइस, आई एम गोना शेयर द स्क्रीन. ये था, ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल रिवाइज अ लिटिल बिट टुडे एंड वी विल फर्स्ट फिनिश इट. हम पहुंच गए थे सब क्वेश्चन दे स्पीक अप, ऑलराइट, उसके अलावा अपने आप को म्यूट कर लो. सही है. सो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, वी डिड दिस. कि ये जे शेप्ड होता है, माइलोहायड मसल इसे डिवाइड करता है, कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, और कंपोज्ड ऑफ मिक्स सीरस एंड म्यूकस एसिनाई होता है, ठीक है. देन वी द मैंडिबल की मीडियल साइड के, इसके अंदर कौन से दो फॉसाज होते हैं जिसके अंदर ये पड़ा होता है. सब मैंडिबुलर फॉसा में सब मैंडिबुलर ग्लैंड नीचे पड़ा होता है, उसके ऊपर माइलोहायड की बाउंड्री होती है, उसके ऊपर सबलिंगुअल फॉसा होता है, ठीक है. And then over here, the muscle that would divide the submandibular gland into a deep lobe and a superficial lobe was your mylohyoid muscle, which also formed the floor of the mouth. ठीक है? The parts हमने पढ़ लिए थे. There is two superficial and deep to mylohyoid site. इसकी थी upper part is deep to the mandible in the submandibular fossa, while the lower part is in the digastric triangle. ये बात भी हमने की थी. The lower part is in the digastric triangle, right? Extensions इसकी थी, आगे mental foramen तक जाता है, पीछे angle of mandible तक होता है, आगे mental foramen तक होता है, ऊपर mylohyoid line होती है और नीचे digastric fossa में होता है, ठीक है. उसके बाद let's come down.
ये डायग्राम हमने देखी थी, किसी को प्रॉब्लम थी इस डायग्राम में? इस डायग्राम में व्हाट वी सॉ वाज देयर वर टू बेलीज ऑफ द डायगैस्ट्रिक व्हिच मेड द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, उसके अंदर इसका सुपरफिशियल पार्ट हैंग हो रहा होता है, ठीक है? और जो आपका पिरोटिड का ये एपिक्स है, ये रेड कलर का पिरोटिड का एपिक्स है, कैन फजर हुमायूं टेल मी कि ये किस में हैंग हो रहा होता है, किस ट्रायंगल में? फजर हुमायूं Fajr, are you here with me? हाँ जी, किस में हैंग हो रहा होता है? रोटेट की एपिक्स। गाइस, जब जिससे पूछती हूँ ना उसको जवाब देने दिया करो। चलो ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड वी कम हियर। इसके अंदर अगेन दे वर जस्ट शोइंग कि ये डायगैस्ट्रिक चल रही है, रेड कलर की इसमें डायगैस्ट्रिक थी, ये स्टाइलोहायोइड थी। द मसल दैट वी हैड टू लुक ऑन वाज द हायोग्लॉसिस। इसमें मैंने तुम लोगों को हायोग्लॉसिस का सारा रिलेशनशिप पढ़ाया था कि किस तरह डक्ट हायोग्लॉसिस के ऊपर निकलती है और उसके एंटीरियर बॉर्डर पे, एंटीरियर बॉर्डर पे हायोग्लॉसिस मसल के कौन सी नर्व लूप अराउंड करती थी इसके सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट के एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसिस मसल पे कौन सी नर्व थी, क्रैनियल नर्व की कौन सी ब्रांच थी या कौन सी क्रैनियल नर्व थी जो उसके रूप अराउंड करती थी? हु कैन टेल मी? हमदा, कैन यू टेल मी? लिंगुअल नर्व, वेरी नाइस इस्मा, इट वाज द लिंगुअल नर्व। सही है, come over here again. I'm gonna ask Hamda, are you here with me? Hamda, type down if you're here. Bol kyun nahi rahe ho? Either write it down or like something. Where are you, Hamda Nadeem? Ye kaun sa lobe hai submandibular gland ka? Shahir, can you tell me ye kaun sa lobe hai? Yes, deep lobe है, तो जो जिसे बोलते हैं प्लीज वो अपना आवाज भी निकाल लिया करें अगर अनम्यूट किया हुआ मैंने। ये क्या है जिसपे मेरा कर्सर रखा हुआ है? हमदा नदीम, हमदा अगेन, वेयर इज हमदा? मैम सब्लिंगुअल ग्लैंड। सब्लिंगुअल ग्लैंड है, बिल्कुल। ये किसने जवाब दिया, हमदा ने दिया? मैम नूर, नूर ने। हमदा, वेयर इज हमदा दो? आई वांट टू नो वेयर हमदा इज। जो भी उसके दोस्त हैं उससे कहें कि आए, सुनना है लेक्चर सुने वरना एग्जिट करे। दिस इज नॉट फॉर योर अटेंडेंस। शी डजंट वांट टू लिसन और पार्टिसिपेट, शी इज वेलकम टू लीव इट। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आई जस्ट want the people who participate. तो मुझे पता है वो कौन लोग हैं, उन्हें मैं रखूंगी लेक्चर में, बाकियों को निकाल दूंगी। I don't care about your attendance, so I'm gonna kick her out of this group again if she doesn't answer again. Let her know that I'm kicking her out right now. मैं निकालती जाऊंगी, मैंने हमदा को निकाल दिया जो मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा या टेक्स्ट फॉर्म में या बोल के, तो I'm just gonna keep removing them from the group. And then I'm going to take a screenshot of the group jo end mein rahenge jo sirf participate karte hain. I'm going to give the name and feedback sirf ye participate karte hain, baki I don't even want in the class or their attendance. I know you guys are here for attendance, leave. I don't want to teach anyone who is here for attendance. Already we come back to the next one. Yahan pe humne thoda sa discuss kiya tha ki ek Wharton's duct thi, ठीक है? Wharton's duct थी, thin wall थी, about 5 centimeter long. It emerges at the interior end of the deep part of the gland. और deep part से निकलती थी, runs forward on the hyoglossus between two nerves, which were your
लिंगुअल एंड द हाइपोग्लॉसल नर्व. हाइपोग्लॉसल नर्व नीचे होती थी और लिंगुअल नर्व ऊपर होती थी. एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हाइपोग्लॉसिस तक पहुंचती थी और वो उसके अराउंड क्रॉस कर लेती थी उसे. ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हाइपोग्लॉसिस तक जब पहुंचता था आपकी डक्ट तो उसके अराउंड लिंगुअल नर्व क्रॉस करती थी. दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, तो यूं करके निकल रही है. यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसिस होता है जो उन्होंने ड्रॉ नहीं किया और यहाँ पे लिंगुअल नर्व इसके अराउंड लूप करती है. और लिंगुअल नर्व शुरू कहाँ से होती है, ग्लैंड के लैटरली जा रही आ रही होती है या मीडियली आ रही थी शुरू से, कौन बता सकता है कि शुरू कहाँ से होती थी, लैटरली आती थी और फिर मीडियली मुड़ती थी या मीडियली आती थी और लैटरली फिरती थी? मीडियली नहीं, लैटरली शुरू होती थी. इट यूज्ड टू स्टार्ट लैटरली. लैटरली शुरू होती है और मीडियली जाती है. मीडियली इट गोज अप टू द टंग and to the sublingual gland. ठीक है, it starts from the lateral side and then it goes anteromedially. ठीक है, ये laterally आती है, loop around करके medially चली जाती है. सही है, it opens in the floor of the mouth on the summit of the sublingual papilla at the side of the frenulum of the tongue. ठीक है, ये frenulum of the tongue होता है, इसके side पे छोटे छोटे से sublingual papillas होते हैं, उसके अंदर आके ये floor of the mouth में open होती है. फैसल इफ्तिखार. Faisal is going to tell me, nobody else is going to write anything. And if he doesn't answer this, he's out of this group. Faisal, what muscle forms the floor of the mouth? Mylohyoid. Really good. Okay, good job. Then we come on to this muscle, this slide. Is slide pe jab hum aate hain. Yeah, so this slide again. यहाँ पे इन्होंने अच्छा से दिखाया है भाई. ये सारे मैंने तुम लोगों को structures बताए थे. ये structure क्या है, ये जो ये brown color का कुछ bony सा structure है, ये क्या है? इसमा आप बताए, इसमा बता दो. It is the styloid process. ठीक है, can someone tell me, I'm gonna choose who's gonna tell this. Aliza कहाँ है? Aliza Anwar, are you here? Yes, Aliza, ये कौन सी बोन का पार्ट होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस? कौन सी बोन थी क्रेनियम में जिसका ये पार्ट है? टेम्पोरल बोन. गुड जॉब. ठीक है, नाउ ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से तीन चार चीजें शुरू होती है. स्टाइलोहायोइड लिगामेंट शुरू होता है, जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा है कि स्टाइलोहायोइड लिगामेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस चीज की कंडेंसेशन होती है, क्या होता है. ठीक है, उसके आगे आपके पास यहाँ पे स्टाइलोफ्रिंजिस मसल होता है, जो कि किसका मसल होगा? स्टाइलोफ्रिंजिस से क्या पता लगता है किस चीज का मसल होगा? आयशा बीनेश, आर यू हियर विद मी? यस आई एम हियर. आपको क्या लगता है कि स्टाइलोफ्रिंजिस किसका मसल होगा? मैम फेरिंग्स का, क्योंकि फ्रिंजिस है तो फेरिंग्स. शाबाश, देयर विल बी अ मसल ऑफ द फेरिंग्स. देन यू हैव स्टाइलोग्लॉसिस जो कि टंग का होगा. ठीक है, और इसमें स्टाइलो हायोइड मसल नहीं दिखाया उन्होंने, वो जो के हायोइड बोन के लिए होगा. ठीक है, वुड बी अ सुप्रा हायोइड मसल. ठीक है, वो नहीं इसमें ड्रॉ हुआ था. अब इन्होंने दिखाया लिंगुअल नर्व यूं लैटरली आ रही होती है, लैटरली आती है ग्लैंड के डक्ट के आके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसिस पे एंटीरोमीडियली कर्व करती है. ठीक है, एंटीरोमीडियली कर्व लेती है एंड इट गोज lingual nerve jo hai it goes to your sublingual gland and it goes to the anterior 2/3 of the tongue. theek hai, uske ilawa unhone hypoglossal nerve dikhai. hypoglossal nerve kaun si cranial nerve hoti hai? raise your hands, nobody just answers, raise your hands. hypoglossal nerve kaun si cranial nerve hoti hai? I want Ikra. Ikra, where are you? You're very silent in this class. Bolna Ikra, aapko unmute kiya hua hai maine. Yaar guys, nahi jawab likhna na. Cranial nerve 11 hoti hai Ikra. 12 likhi hai, acha tumne X11 likha hai. Theek hai, yes, cranial nerve 12 hoti hai. Theek hai, it's the last cranial nerve. Ikra is going to answer this. Ikra, unmute yourself. Nobody else answers this. And tell me, कि lingual nerve किसकी branch होती है? कौन सी cranial nerve की, कौन सी division की, क्या branch है? किस तरह trace करेंगे इसे? Ikra, unmute yourself.
मैंडिबुलर नर्व C3 मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है. मैंडिबुलर नर्व के आगे से कौन सी डिवीजन की ब्रांच होती है? पोस्टीरियर डिवीजन. CNV3 होती है. कौन सी डिवीजन की ब्रांच होती है? इकरा से सवाल था बट यस पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच होती है. इकरा इज गोइंग टू टेल मी. इकरा इज गोइंग टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम आल्सो गोइंग टू आस्क. नोबडी एल्स पोस्ट. ओके इकरा जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है और अनम्यूट है सारे. ठीक है तो इकरा यू कैन स्पीक. जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये मैंडिबुलर नर्व की, ये मेजरली सेंसरी है या मेजरली मोटर है? हाँ जी इकरा, ये सेंसरी है या मोटर है? आप अनम्यूट हुई भी हो. आइदर यू गोना टाइप इट डाउन और यू गोना स्पीक. इफ यू डोंट नो यू आर गोना से आई डोंट रिमेम्बर. मैम बता रही है सेंसरी. आपको आवाज आ गई है? मुझे नहीं आई. मैम ऐसा ऐसा बोल रही थी. Alrighty, let's move on. So, I was showing you कि ये बस hyoglossus पे बहुत जरूरी relationship है that you remember lingual nerve किस तरह आती है, किस तरह curve around करती है और कहाँ तक पहुँचती है, उससे कौन सा ganglion hang करता है. जो ganglion hang करता है वो यहाँ से सब mandibular ganglion hang करता है और ये इन दोनों glands का होता है. सब lingual gland का भी है, सब mandibular gland का भी है. दोनों glands का एक ही ganglion है जो कि सब mandibular ganglion है. ठीक है, lingual nerve की मैंने थोड़ी सी relationships यहाँ पे लिखी थी. आई थिंक यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दैट नाउ. ठीक है, lateral to the submandibular duct शुरू होता है, anterior medial loop करता है और कहाँ पे loop करता है? The anterior border of hyoglossus muscle. Terminal branches ascend करती हैं on the hyoglossus and provide general somatic afferent innervation to the mucous membrane of the anterior two-thirds of the duct. तो lingual nerve sensory होती थी touch, pain, temperature वाली, मगर ये अपने साथ कौन सी एक cranial nerve लेके जाती थी जो कि taste provide करती थी anterior two thirds of the tongue पे? Hello, very nice. Corda tympani थी, बिल्कुल शाबाश. Fajar Humayo, corda tympani किस cranial nerve की branch थी? Fajar Humayo. Guys, मैंने नाम लिया है ना फजर का. I know you're all participating, but I want Fajr to answer when I ask her. I don't want anyone else to be writing. Fajr, are you here with me? Fajr. Fajr Humayo, are you here with me? I'm gonna ask you in the upcoming ek do slides ke andar, Fajr, I'm gonna ask you a question again. You don't answer it, you'll be out of this group like Hamda was. Alrighty, moving on. फेशियल नर्व की ब्रांच होती है कॉर्डा टिम्पनी. कॉर्डा टिम्पनी इसके साथ जाती है और कॉर्डा टिम्पनी से मिल जाती है टेस्ट सेंसेशन. हाइपोग्लॉसल नर्व लाइज डीप टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड रन सुपरफिशियल टू हायोग्लॉसस एंड डीप टू द डाइगैस्ट्रियम. ठीक है, हाइपोग्लॉसल को हमने देखा था सबमैंडिबुलर ग्लैंड के नीचे था. ठीक है, हायोग्लॉसस मसल के ऊपर होता है. ठीक है, हायोग्लॉसस मसल के ऊपर होता है और यहाँ पे डाइगैस्ट्रिक्स चल रहे होते हैं, डाइगैस्ट्रिक्स के नीचे होता है. तो इन दो मसल्स के नीचे हाइपोग्लॉसल नर्व सैंडविच हुई भी होती है और वो एंटीरियरली कोर्स करती है, एंटीरियर सुपीरियरली जाती है और सारे टंग के मसल्स को सप्लाई कर देती है. ठीक है, तो हाइपोग्लॉसल नर्व इज अ मोटर नर्व. ये सेंसरी नहीं होती, हाइपोग्लॉसल प्योरली मोटर नर्व होती है जो जाके पूरी टंग को सप्लाई कर देती है, टंग के मसल्स को. टंग इज बेसिकली अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. हर वक्त हिल रही होती है, खाने के वक्त हिलती है, बोलते ही वक्त हिलती है. तो टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर और मसल्स को उसकी सप्लाई करता है हाइपोग्लॉसल नर्व. Come on to this. Hypoglossal nerves run inferior to the tongue and innervates the tongue muscles. ठीक है, ये hypoglossal उन्होंने निकलती भी दिखाई है. Hypoglossal canal था आपकी cranial cavity की बेस में, हमने पढ़ा होगा. उसमें से ये exit करती है skull में से onto the face, onto the
brain onto the facial area, and then it comes and supplies the tongue. ठीक है, supplies the muscles of the tongue. उसके अलावा, yeah, this was just के आपको muscles दिखाए जाएं. ये fan shaped muscle है, oral cavity का, जो कि genioglossus है. और जो यहाँ पे और face का fan shaped muscle होता है, वो temporalis होता है. ये हर वक्त याद रखने वाली बात होती है. उसके अलावा ये सारे स्टाइलॉइड प्रोसेस से जो मसल्स आ रहे हैं वो उन्होंने दिखा दिए, हायोइड बोन दिखा दिए, जीनियो ग्लॉसिस दिखाया और ये जीनियो हायोइड दिखाया है. ठीक है, इट्स गोइंग ऑल द वे अप टू द हायोइड बोन. नॉर्मली वी हैव इन द डीएच वी हैव अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स जिनकी यू कैन सी द लैटरल साइड्स. ठीक है, यू कैन सी द लैटरल साइड्स और उन पे हमेशा प्रॉफ में या स्टेजेस में पॉइंट्स लगाए जाते हैं, सो दैट यू गाइस कैन, जिसको हम कहते हैं सपोर्टिंग. तुम लोगों के अभी तक नहीं हुई पिंस लेके, वी हैव मॉडल्स ऑफ दीज थिंग्स और हम उनके ऊपर ना पिंस लगा देते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, एंड देन यू हैव टू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि ये क्या है. दैट इज योर स्पॉटिंग और प्रैक्टिकल फॉर एनाटॉमी. ठीक है, तो इसलिए आई एम गोइंग थ्रू दिस डायग्राम्स अगैन एंड अगैन, क्योंकि इस वक्त वी कांट गो ओवर द मॉडल. तो जब हम मॉडल देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली एकदम पता चल जाना चाहिए जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है वो क्या होगी, जो चीज़ यहाँ पे यू फैन शेप्ड है वो क्या होगी, जो बिल्कुल फ्लोर ऑफ द माउथ का मसल है वो कौन सा होएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई आई गो थ्रू दिस थिंग्स सो दैट व्हेनेवर यू सी द मॉडल इंशाल्लाह इट बिकम्स इजी फॉर यू. ये फ्लोर ऑफ द माउथ को हम थोड़ा सा देखते थे, हम यहाँ पे इसलिए से देख रहे थे कि हम डक्ट का कोर्स देख रहे थे. अच्छा, आई वॉन्ट टू नो गाइज फ्रॉम फजर हुमायूं, अगेन फजर, नोबडी एल्स आंसर्स दिस इन चैट. And nobody else answers this in any other way. I want to know, Fajar, कि ये कौन सी नर्व है? Fajar, only Fajar, guys. Fajar, type it out. Is she not here with us? Can someone else tell me if she's not here with us? Inferior alveolar. Fajar gets out of this group too. I don't need her here. I don't need her attendance. I don't need her here. Anyone else who's not gonna answer despite warnings will not stay here. Aram se so. Aram se roza guzaro. Sakoon se bistar mein so. Koi zarurat nahi hai sunne ki. Bekar mein. Kaan kharab ho jayenge. Okay, come over here again. The same thing. I think that's enough. But like the same thing again. Yung ganglion latka hua hota hai, aage lingual nerve jati hai, anterior border pe hypoglossus ki usse cross karna shuru ho jata hai duct ko. Aur hypoglossal smoothly niche se jati rehti hai. ठीक है, तो लेकिन जब duct निकलती है तो ये दोनों के बीच में होती है. फिर duct आगे जाती है तो lingual nerve इसे cross करती है. तो duct का course अलग है, lingual nerve का अलग है. दोनों में से किसी एक का course बताने को आ सकता है. सो अगर डक्ट का कोर्स आता है तो आप बताएंगे दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डीप लोब का इंटीरियर एंड, इट गोज फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंड इट इज क्रॉस्ड बाय द लिंगुअल नर्व एट द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द हायोग्लॉसल मसल एंड देन इट कंटिन्यूज स्ट्रेट अपवर्ड्स इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड ओपन्स इन द, वेयर डज इट ओपन, कहाँ पे डक्ट ओपन होती है, कोई भी बता सकता है, जस्ट रेज योर हैंड्स. डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, जो वॉर्टन डक्ट है, वीरा, वेयर डज इट ओपन? Floor of the mouth. Floor of the mouth. Sublingual papilla. ठीक है, that's where it opens. So that is the course of the duct. ये मैंने duct का course बताया. अगर मैं lingual nerve का course की बात शुरू करूँ, then मैंने पीछे से शुरू कर दिया कि lingual nerve कहाँ से दी जाती है, posterior division देती है. ठीक है, posterior division किस point पे देती थी, फिर वो आगे किस तरह वो ब्रांच करती है और मीडियली जाती है, इन्फीरियर एल्वियोलर लैटरली चली जाती है इनटू द इन्फीरियर एल्वियोलर कैनाल और मीडियली टर्न लेती है क्रेनियल नर्व की ये ब्रांच, वो लिंगुअल नर्व होती है, वो लैटरली पहुंचती है ग्लैंड के डक्ट के पास और उधर से लूप करती है. ओ माय गॉड, इतनी मोटी छिपकली. ओके, सो इट लूप्स अराउंड loops around the cranial nerve और वो cranial nerve के पहुंचती है, loops around the duct और उसके आगे से पहुंचती है, where was I guys, I've totally lost concentration because there is a fat lizard here.
सही है, तो वो मीडियली आती है, मीडियली इट टेक्स अ टर्न अराउंड एंड हायोग्लॉसल मसल पर ट्रैवल करती होती है, फिर एंटीरियर बॉर्डर पे उसके लूप अराउंड करती है, आगे ये टर्मिनल ब्रांचेस देती है जो कि टंग को एंटीरियर टू थर्ड्स पे सप्लाई कर देते हैं जीएसए। ये हो गया आपका लिंगुअल नर्व का कोर्स, ठीक है, इस तरह देने। और हाइपोग्लॉसल का कोर्स मैं अभी नहीं बताऊंगी, उसको हम जब शुरू करेंगे तो हम उसे शुरू से क्रैनियल कैविटी से ट्रेन करेंगे। नहीं, मैं नदीम भाई इधर नहीं बैठे हुए, बड़े दूर बैठे हैं, इसलिए वो नहीं बता सकते। अच्छा, सो ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, डिड वी गेट हियर? आई डोंट थिंक वी गॉट हियर। ब्लड सप्लाई में ये होता है कि इट इज सप्लाइड बाई द फेशियल आर्ट्री, ऐसी तो फेशियल आर्ट्री इसी एरिया से गुजर रही होती है। मैंने तुम लोगों को बताई थी कि फेशियल आर्ट्री की एक खास बात होती थी कि किसी मॉडल पे देखेंगे या किसी डिसेक्टेड मॉडल पे देखेंगे, बॉडी पे देखेंगे या कोई मॉडल स्टडी मॉडल पे देखेंगे, तो फेशियल नर्व की क्या बात होती थी, फॉलो माइक्रोसर क्या बात होती थी स्पेशल इसकी, जब हमने फेस पे पढ़ी थी, है कैसे पहचानी जाती है? Raise your hands, guys. Spiral, wow, wow, spiral. किसने लिखा है spiral? Tortuous होती है, हमजा spiral नहीं होती। It's tortuous, ठीक है? Tortuous से इसका course होता है यहाँ पे। But yeah, you're right, spiral भी होती है। So it has a tortuous course over here. It winds around the base of the mandible. ऐसे ही था, यहाँ से यूँ आती है। और branch किसकी होती थी? Internal की rotated की होती थी, external की rotated की होती थी? External की rotated. एक्सटर्नल कैरोटिड की, शाबाश, एक्सटर्नल कैरोटिड ये ब्रांच देती थी और ये यूं करके गुजर रही होती थी, तो ये इस एरिया से गुजरती थी ना, बिल्कुल यहाँ इसके नीचे ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता था, जब वो वाइंड अराउंड करती थी इस बेस ऑफ मैंडिबल के और ऊपर फेस पे जा रही होती थी, तो यहाँ पे से सप्लाई करती हुई जाती है, ठीक है। और जो वेन्स है वो कॉमन फेशियल और लिंगुअल वेन में वो ब्लड ड्रेन कर लेती है, और लिम्फ पासेस टू द सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर ही सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे सारा इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज चली जाती है। नर्व सप्लाई पे आ जाओ, अगर हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की अब तक हमें पता होनी चाहिए, लेट मी नॉट गेट हियर, टेल मी कि अगर हम नर्व सप्लाई कर रहे हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से आ रहा होगा? कौन सी क्रैनियल नर्व इसको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेके आती होगी? पोस्ट कैंग्लियोनिक फाइबर्स भी तो लेके जाएगी, प्री कैंग्लियोनिक कौन लेके आएगा? प्री कैंग्लियोनिक कौन लेके आ रहा है? अफीरा बताए। T1 and T2 spinal segments में जाएगी और ये parotid gland में आएगी और auriculotemporal nerve से। हाँ, तो मुझे किस चीज का जवाब दे रही हो फिरा? आपने ये पूछा ना preganglionic। Preganglionic to the submandibular gland कौन सी cranial nerve आती है? ये cranial nerve आएगी। चलो आपको नहीं जवाब पता, मुझे हनान बताएगा ये बात। अनान अपने आप को अनम्यूट करो, मुझे बताओ प्री गैंग्लियोनिक कौन लेके आएगा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन तक फाइबर्स? कौन है उससे फंक्शनली रिलेटेड? सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से कौन फंक्शनली रिलेटेड है? फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पनी ब्रांच। बिल्कुल, शाबाश, फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पनी है। लेट्स लुक एट इट। और तुम लोगों को सबको पता है कि टोपोग्राफिकली इससे रिलेटेड कौन सी है? लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर। लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर। बिल्कुल, लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर इससे टोपोग्राफिकली रिलेटेड है और फंक्शनली सही है। जो भी फंक्शनली रिलेटेड होती है ना गाइस, वो प्री गैंग्लियोनिक होती है, ठीक है, वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में आ जाता है क्योंकि वो वहां पे लेके आ रहा होता है उसे। अगर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, वैसे तो हम अगर नर्व सप्लाई की बात कर रहे हैं इस वक्त सब मैंडिबुलर गैंग्लियन की, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन की नर्व सप्लाई का बात होता है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन सॉरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, नर्व सप्लाई की मैं बात करूंगी तो मैं उसकी सिक्रेटो मोटर यानी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की बात करूंगी, मैं उसकी सेंसरी की बात करूंगी और मैं उसकी सिंपथेटिक की बात करूंगी, ठीक है। मोटर तो यहाँ पे कुछ नहीं आता। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन ग्लैंड इज नॉट
not a muscle. It doesn't need a motor supply. It's a gland, so it needs a secretomotor fiber. Secretomotor, Sameen, secretomotor ka dusra naam kya bola tha abhi maine? Sameen Zora, uske alawa koi nahi. Yes, ma'am. Sameen, secretomotor ka dusra naam kya hota hai? Preganglionic nerve hota hai. सिक्रीटो मोटर का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? सामने स्लाइड ही देख लो अगर कुछ समझ नहीं आ रही, या हेडफोन्स लगा के अंधेरे में. पैरासिम्पेथेटिक. हाँ जी, पैरासिम्पेथेटिक होता है. कोई नहीं जवाब देगा इसका भी, जवाब से वही देगी और नोबडी इज गोना टाइप इट आउट. डोंट टाइप द आंसर आउट गाइस. समीन, आर यू हियर विद मी? यस. हाँ जी, पैरोटिड ग्लैंड के साथ कौन सा गैंग्लियन पड़ा था? आप बैठा की बस इतने कल दो कनाड़ दी वेली है ते बैठक बैठक दी सामने जी खिची में तस्वीर पर आपकी ना मुझे सारी आवाजें आ रही हैं. मैंने आसी रे ने और कौन? ओए ओटे. हां जी बताओ मुझे समय. ओटे गैंग्लियन होता है बिल्कुल. और मुझे बताओ कि जब हम आई के साथ हमने कौन सा गैंग्लियन पढ़ा था समय? Ciliary ganglion. कौन सी cranial nerve के साथ functionally related था समीन? Cranial nerve 3, oculomotor. शाबाश, very nice. So yeah, so when we study the parotid gland, we study three things. So parotid gland की nerve supply पढ़ेंगे तो parasympathetic supply पढ़ेंगे, vasomotor यानी sympathetic supply पढ़ेंगे, क्योंकि उसने सिक्रीट क्या करना है? उसने सिक्रीट करना है सलाइवा, ये उसका फंक्शन है. तो यानी सलाइवा रोकने वाले फाइबर्स, सलाइवा निकालने वाले फाइबर्स. उसके अलावा सेंसरी फाइबर्स कि वहाँ पे अगर कोई चोट लगे, तकलीफ हो, ठंडा लगे, गर्म लगे, तो वो वाले फाइबर्स, पेन हो तो वहाँ पे कौन सी फाइबर्स सेंसेशन लेके जाएंगे. मोटर की इसे ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट अ मसल, राइट? सो जब ग्लैंड की बात आती है तो हमें ये तीन फाइबर्स पढ़ने होते हैं. सिक्रीटो मोटर हमें समझ आ गई. सिक्रीटो मोटर पाथवे का कौन सा गैंग्लियन है? कौन सा गैंग्लियन है सिक्रीटो मोटर पाथवे का? कम ऑन गाइस, एट लीस्ट रेज योर हैंड्स. सिक्रीटो मोटर पाथवे का कौन सा गैंग्लियन है? जेनिकुलेट गैंग्लियन. सिक्रीटो मोटर पाथवे का गैंग्लियन सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है, तब से यही बात. यस मैम. यस मैम, सॉरी. अच्छा जी, फैसल इफ्तिखार आप यहाँ पे हैं? चौधरी फैसल इफ्तिखार, आर यू हियर? हाँ जी, आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है ना उससे, हनान से मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी दोस्ती है. तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी, कोई और जवाब नहीं लिखेगा सिवाय फैसल के. एंड फैसल, कम ऑन अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड लाइक स्पीक अप, आई वांट टू हियर यू. मुझे ये बताओ कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड था, इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कौन सी क्रैनियल नर्व लेके आ रही थी? पैरोटिड ग्लैंड के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. बाकी कोई जवाब नहीं लिखा गया, यू कैन रेज योर हैंड. फैसल आप अनम्यूट करें अपने आप को, जवाब बोलें. पोडा टिम्पनाई. जैसे बोलो फैसल के पोडा टिम्पनाई थी. मैंने कौन से गैंग्लियन का पूछा है? एक मिनट मैम, क्वेश्चन रिपीट करते हैं. सलाइवरी ग्लैंड का आपने पूछा था. मैंने पैरोटिड ग्लैंड का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर पूछा है. सुन भी रहे हो सवाल? सुन रहा हूं मैम. ऑर्बिकुलो टेम्पोरल, ठीक है. और वहां पे सेंसरी सप्लाई कौन देता है पैरोटिड ग्लैंड को? ग्लॉसोफेरिंजियल. सेंसरी सप्लाई टू द पैरोटिड ग्लैंड. तुमने पिछला जवाब भी गलत दिया है, तुम्हें पता है ना? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर मैंने तुमसे पैरोटिड का पूछा और तुमने मुझे ऑरिकुलो टेम्पोरल का है. फिर मैंने तुमसे सेंसरी फाइबर पूछा है तो तुमने मुझे क्या कहा है? ग्लॉसोफेरिंजियल का है. उल्टे जवाब दे रहे हो. चलो प्रेजेंट हो जाओ, अगली स्लाइड्स में तुमसे सवाल होने वाले हैं. ओके मैम. मेंटली प्रेजेंट हो जाओ.
अच्छा सो नर्व सप्लाई में सिक्रीटो मोटर फाइबर्स एंड सिक्रीटो मोटर हमें समझ आ गए कि सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है, ठीक है, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस या सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस हमने पेरोटिड के साथ पढ़ा था, इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पास थ्रू द सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लियन, फेशियल नर्व, कॉर्डा टिम्पनी, कॉर्डा टिम्पनी से वो लिंगुअल नर्व को ज्वाइन कर देता है टू रीच द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। जो कॉर्डा टिम्पनी है ना, इट जॉइंस विद द लिंगुअल नर्व। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इमर्ज होते हैं जो कि लिंगुअल और कॉर्डा टिम्पनी मिले हुए होते हैं, एंड दे एंटर द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड को भी जाते हैं, और कहां पे जाते हैं ये फाइबर्स, और कौन से ग्लैंड को जाते हैं फैसल? हां जी फैसल, आर यू हियर? मैं बताऊं? बता दो। मैं सब लिंगुअल को जाएंगे, एक ही गैंग्लियन होता है। बिल्कुल, सब लिंगुअल को भी जाएंगे। तो ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम एनर्जी नहीं जाया करेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड पढ़ते हुए भी, यही पूरा पाथवे आपका सब लिंगुअल ग्लैंड पे भी बनता है। सेंसरी फाइबर्स इसके लिंगुअल नर्व से, और आपके जब हम पेरोटिड ग्लैंड पढ़ते थे तो सेंसरी फाइबर्स कौन सी नर्व से थे? मरियम खान बताएगी मुझे, अनम्यूट करो अपने आप को मरियम। ये मैंने तुम लोगों की ना आवाज सुननी है, तुम लोग मेरी आवाज सुनते हो आराम से, तो मैंने भी सुननी है। जरा जरा मैं देखूं कितने लोग सो रहे हैं। मैम सेंसरी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से जाएगी, और मैंने ऑरिकुलर टिम्पन का कहा है नोर, मैंने मरियम खान से पूछा है। मरियम, you're gonna tell me that sensory fibers कौन लेके जाता है पेरोटिड ग्लैंड के पास? Are you there, Mariam? मैम ग्रेटर ऑरिकुलर। ग्रेटर ऑरिकुलर, ये मरियम थी? Yes, ma'am. हाँ देखो, कभी आवाज ही नहीं सुनाते, पहचान ही नहीं सकते मैं तुम लोगों को। जरा आवाज सुनाओ मुझे पता चले कौन कौन है। Zoha, is Zoha here with me? Zoha, Zeeshan and Zuma Maryam. Tino jaag jao, agli baariyan tum logo ki hain. Yes, I am. Zoha, Zeeshan and Zuma. Zeez ho na, tum log mujhe kam nazar aa rahe hote ho. So participate, write your answers here. So I was saying that we did this, then we did the sensory fibers, and then we do the vasomotor fibers from the plexus on the facial artery. ठीक है, facial artery के ऊपर plexus बनता है, उधर से vasomotor fibers through the submandibular ganglion आते हैं without relaying into the gland. So ये इसका nerve supply in short हो जाता है। ये ही exact nerve supply आपका sublingual gland का होता है, ठीक है? Vasomotor functions का क्या मतलब है कि they regulate submandibular secretion through vasoconstriction of the arteries. ठीक है, तो vasomotor function यानी sympathetic किस तरह रोकती है secretion, अगर आपसे कोई इसका function का mode of action पूछ ले, क्योंकि you know that vasomotor या sympathetic supply जो है that will stop secretions. किस तरह stop करती है secretions? It will cause vasoconstriction of the arteries. जब vasoconstriction of the arteries हो जाएगी तो blood flow रुक जाएगा gland का. Gland का blood flow रुकेगा तो gland की secretion रुक जाएगी. ठीक है? ये बात समझ आती है? And then it will produce an enzyme rich serous saliva क्योंकि mucus वाला gland का निकल नहीं पा रहा है. Can you guys hear me? आवाज आती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So अभी मैंने Zoha is gonna answer this. मैंने कौन सा न्यूक्लियस बताया है जो कि सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से रिलेटेड है? कौन सा न्यूक्लियस है जोहा? कौन जोहा, कौन सा न्यूक्लियस है? जोहा सेलिवेटरी तो था, कौन सा सेलिवेटरी था गाइस? सुपीरियर सेलिवेटरी। सुपीरियर सेलिवेटरी था। सो व्हाई इज जोहा आंसरिंग? एंड ज़ीशान, आर यू देयर विद मी? इज ज़ीशान हियर? ज़ीशान, आर यू हियर विद मी? Because if you're not, you're getting kicked out of here.
Alrighty, I'm removing Zeeshan from here too because मुझे कभी उससे जवाब नहीं मिलता. I don't even know what he sounds like. I don't need him in this group. All right, let's go ahead. Applied anatomy थोड़ा सा कर ले. Submandibular ganglion की जो submandibular gland की जो duct होती है ना, that is very prone to formation of a stone. ठीक है, मैं ये assignment दे रही हूँ. I'm giving you guys this assignment. Write it down. That why is the Wharton's duct? Why is the Wharton's duct very prone to stone formation? ठीक है. Why is the Wharton's duct so prone to stone formation? ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि क्यों इसमें इतना ज़्यादा stone बनता है. ठीक है, एक तो इसके अंदर ये है कि mucoceles, मैंने reason बता दिया. एक तो इसके और reasons है. ठीक है, you have to write those two more reasons that why this gland. Write all three reasons including this one कि ये इसका जो है ना बहुत viscous और बहुत mucus सा secretion होती है तो फंस फंस के निकल रही होती है. ठीक है, तो क्या होता है इसका, इस तरह पता चलता है जब आप किसी को लेमन खिलाते हैं ना या लेमन सामने रखते हैं और सेलिवेशन होती है. लेमन को देख के या लेमन को मुंह में डाल के ना मुंह में थूक आता है या सेलिवेशन होती है, या खाने को देख के सेलिवेशन होती है, मुंह में थूक आता है, मुंह में सलाइवा आता है. दिस इज अ कंडीशनिंग जो होती है हमारी. ठीक है, तो उस केस में व्हेन सिक्रीशन होना चाह रही हो और वो ग्लैंड के अंदर से नहीं निकल सकती क्योंकि डक्ट के अंदर एक ब्लॉकेज हुई हुई होती है, तो पीछे से ग्लैंड स्वेल हो जाता है. जब ग्लैंड स्वेल होता है ना गाइस, दिस इज आल्सो इन केस ऑफ पिरोटिड. ये बात गौर से सुनो, जब ग्लैंड स्वेल होता है तो मुझे बताओ कि ग्लैंड के सराउंडिंग में क्या होता था. हमजा ये बात बताएगा मुझे कि ग्लैंड के, ग्लैंड को किस चीज ने सराउंड किया हुआ होता था. हमजा फेशिया ने, शाबाश, फेशिया ने किया हुआ होता है, कैप्सूल ने किया हुआ होता है. फेशिया एंड द कैप्सूल आर हाईली इनर्वेटेड. ठीक है, तो जब वो ग्लैंड स्वेल करता है ना, तो जब ग्लैंड स्वेल करना शुरू होता है, वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो उसके अराउंड जो कैप्सूल होती है वो स्ट्रेच होती है. जब वो स्ट्रेच होती है तो जो उसके अंदर नर्व होती है वो एक्टिवेट होती है. तो आपकी जो फंक्शनल कंपोनेंट जिस नर्व का GSA होता है, जो इसे सेंसरी सप्लाई कर रही होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और आपको खाना देख के या खाना खाते हुए या आपको लेमन देख के या लेमन मुंह में डाल के तकलीफ होती है. सो दैट इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ द फैक्ट दैट आपके डक्ट के अंदर स्टोन बन गया. ठीक है, और सबसे ज्यादा स्टोन पिरोटिड वगैरह में नहीं बनता, इसमें Wharton's duct में बनता है. ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड पे आ जाते हैं. थोड़ा सा सबलिंगुअल ग्लैंड भी कर लेते हैं. इसकी स्मॉलेस्ट ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है, 2 grams का होता है सिर्फ, एज कम्पेयर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो कि 15 grams तक होता है. ठीक है, 15 to 20 grams तक, तो 10 times बड़ा है इससे. और सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे टाइनी सा ग्लैंड होता है, सोचो 2 grams कितना ही छोटा होता है. और तुम लोगों को पता है जो मैं तुम लोगों को गैंग्लियन का बता रही हूँ, जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है, डू यू नो हाउ बिग दैट इज? आई थिंक आई सेंट यू द क्या कहते हैं, डिटेल देयर इज. ओके, कितनी डिटेल अल्लाह मियां ने सुभाना ताला ने बनाई भी है कि दैट गैंग्लियन जो ये सब रेगुलेट कर रहा है ना, जो पिन हेड होता है ना, जो आपकी कॉमन पिन होती है, कॉमन पिन के बहुत छोटा सा ऊपर हेड नहीं होता राउंड सा, दैट इज द साइज ऑफ द गैंग्लियन, दैट इज हाउ टाइनी इट इज. और उसमें से 3 तरह की नर्व्स गुजर रही होती है और फंक्शंस दे रही होती है. ये दैट इज हाउ टाइनी दैट इज. एंड यहाँ पे जो आपका सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल गैंग्लियन है, दैट इज ऑल्सो वेरी टाइनी, दैट इज लाइक अराउंड 2 grams. आई मीन इमेजिन हाउ टाइनी दैट इज. 2.5% of the total saliva produced karti hai, located at the anterior part of the floor of the mouth, just between the mucosa and the mylohyoid muscle. So, agar aap apna floor of mouth khole, mirror mein dekhe apne floor of mouth ko. So, it'll look something like this. ठीक है, फ्लोर ऑफ माउथ आपका कुछ ऐसा लगेगा. ठीक है, ये सारा म्यूकोजा है, इस म्यूकोजा के नीचे डायरेक्टली सबमैंडिबुलर गैंग्लियन पड़ा हुआ है, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ है, आई एम सॉरी सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ है, और उसके नीचे जो मसल पड़ा हुआ है सारा इसके नीचे, वो दैट इज द माइलोहाइड मसल, माइलोहाइड मसल, और ये ऊपर म्यूकोजा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ है टाइनी सा.
ऑलराइट सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है उसके वो ओरल कैविटी में सीरीज ऑफ स्मॉल डक्ट्स खुलता है, ठीक है। इसकी डक्ट्स छोटी छोटी मैंने दिखाई थी एक स्लाइड थी जिसमें इसकी बहुत सारी डक्ट्स नजर आती हैं। ये वाली स्लाइड देखो, ये ना सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड की ये देखो, ये ऊपर छोटी 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 कितनी डक्ट्स निकल रही है, छोटी छोटी कितनी सारी है, ये सारी इसकी डक्ट्स है। सब मैंडिबुलर की एक ही डक्ट है, वर्थेंस पेरोटिड की भी एक ही थी, इसकी मल्टीपल डक्ट्स है, इनको कहते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनस, डक्ट्स ऑफ रिविनस, ठीक है। ओपनिंग अलोंग द सबलिंगुअल फोल्ड एंड ओपन थ्रू अ लार्ज डक्ट। अब ये जितनी डक्ट्स ऑफ रिविनस हमें नजर आई ना, ये एक लार्ज डक्ट में जाती है जिसका नाम होता है बार्थलेंस डक्ट, और वो कहाँ खुलती है, वर्थेंस के साथ खुलती है सबलिंगुअल कैरेक्टर पे। वर्थेंस खुलती थी ना नीचे नीचे सबलिंगुअल पैपिला पे, तो वहीं जाके बार्थलेंस खुलती है उधर, और बार्थलेंस में सारी कहाँ से आती ड्रेनेज, डक्ट्स ऑफ रिविनस से। डक्ट्स ऑफ रिविनस सीरीज ऑफ स्मॉल डक्ट्स है, वो एक बड़ी डक्ट में जाती है बार्थलेंस में, और बार्थलेंस फ्लोरा माउथ में वहां जाके खुलती जहाँ पे वर्थेंस खुलती थी। इसमें कोई कंफ्यूजन? ब्लड सप्लाई, सबलिंगुअल एंड सबमेंटल आर्टरीज किसकी ब्रांचेस होंगे? सबलिंगुअल सबमेंटल आर्टरीज किसकी ब्रांचेस होंगे? मैम लिंगुअल एंड फेशियल आर्टरीज। यस, लिंगुअल एंड फेशियल आर्टरीज की होंगी, एंड इन टर्न एक्सटर्नल कैरोटिड की होंगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज यहां पे सबमेंटल लिम्फ नोड्स में होगी। सबमैंडिबुलर के सबलिंगुअल ग्लैंड के ऊपर, सबलिंगुअल ग्लैंड यहां पे नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है एंटीरियरली चिन के नीचे। I want you guys to feel, yes. What I want you guys to do is ke apne haath rakho angle of mandible ke paas andar ki taraf. Wahan pe aapka gland kaun sa hoga? Angle of mandible ki taraf, andar ki taraf karo. Neck ke paas angle of mandible ke andar. Yahan pe kaun sa gland pada hoga? Salivary gland. Submandibular. Haath rakke yahan pe batao. Submandibular. Ab aage ho, chin ke niche. चिन के नीचे कौन सा ग्लैंड पड़ा हुआ होगा? चिन के नीचे अगर हम हाथ रखें सामने, चिन लिंगुअल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल सब लिंगुअल, तो यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल होता था? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी सही, ये आवाज नहीं आ रही सही, मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल होता था जहाँ पे सब लिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ होगा चिन में नीचे? Digastric तो पीछे जाता है, सब मेंटल ट्रायंगल होता था, याद आता है सब मेंटल ट्रायंगल? दोनों तरफ की इंटीरियर बेलीज ऑफ द डाइगेस्ट्रिक होती थी और नीचे हायोइड पे बनता था, या फिर अगर एक साइड का बना ले तो बीच में मिड लाइन जाती थी नेक की, और एक साइड से इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक होती थी और नीचे हायोइड होता था, ऐसे ही होता था? Yes, ma'am. याद आती है बात? Yes, सब yes. सबको याद आई, तो उस सब मेंटल ट्रायंगल नीचे होता, और सब मेंटल ट्रायंगल का कंटेंट होता था सब मेंटल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये वहां से बात आ रही है क्योंकि ये उस रीजन में, तो यहाँ पे ये वाली आर्टरीज हैं और ये वाले लिम्फ नोड्स हैं। नर्व सप्लाई, अगेन द सेम थिंग, फेशियल नर्व का कौन सी ब्रांच रीच करती है ग्लैंड को? लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। फेशियल नर्व रीचिंग द ग्लैंड थ्रू द लिंगुअल नर्व, फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच है जो लिंगुअल नर्व के थ्रू रीच करे? कॉर्डा टिम्पनी, वेरी नाइस, कॉर्डा टिम्पनी, या द कॉर्डा टिम्पनी इज द वन दैट रीचेस इट, और फिर सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में जाती है और वहां से चली जाती है। और यहाँ पे भी फेशियल आर्टरी के अराउंड जो प्लेक्सस बनता है उस पे जो है दैट गोज एंड गिव्स यू द सिंपैथेटिक सप्लाई। सिंपैथेटिक सप्लाई का क्या फंक्शन ऑफ मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? आस्क पर्टिकुलर पर्सन, नोबडी एल्स आंसर प्लीज। इशा काशिफ, इज इशा हियर? इशा आर यू हियर विद मी? यस इशा, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपैथेटिक सप्लाई का मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या, कैसे सिंपैथेटिक सप्लाई अफेक्ट करता है ग्लैंड की सिक्रेशन को, क्या करता है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? इशा यू आर अनम्यूटेड, यू कैन स्पीक।
Should I give it to someone else to answer? Isha, should I ask someone else to answer for you? Yes. I want to know. Vasoconstriction. Vasoconstriction karta hai bilkul. Aur vasoconstriction aage se kya karta hai? Vasoconstriction se kya hoega? How does it stop secretion? Vasoconstriction se aage kya hota hai? So ye to baat samajh aa gayi, ye to direct baat hai that it can cause the secretion. Vasoconstriction hogi to blood vessels jo hai constrict hoengi to blood supply khatam hoega gland ka. Blood supply kam hoega gland ka to secretion kam hogi, theek hai? You don't jump directly to the secretion. You say that blood supply to the gland is decreased, that's why secretion is decreased. Blood supply pani leke aata hai na, aur kahan se pani aata hai body mein? It goes into your blood. Kidneys padhi thi humne A levels mein, kidneys kya karti thi, kahan se leti thi? Blood ke andar leti thi. Matlab blood ke andar aa jata tha jo bhi water you drink, right? Aise hi hota hai, aise hi to koi aur pipes to nahi chal rahe hote body mein jiske andar pani chal raha hota hai, right? Jitni aapki hydration hoti hai, that is in your blood. And the blood is in your blood vessels. So jahan ki blood supply rukegi, wahan ki water supply bhi ruk jayegi. It's like aapne wahan ka pipe band kar diya. To wahan se secretion nahi hogi. It's as simple as that. Theek hai? Pani kahin aise to nahi pahuncha. Acha, jo maine tum logo ko is assignment ke alawa ek assignment kahi hai, wo likh lo. Kya assignment batayi thi maine? Hanan kya bola tha maine? Aur koi nahi batayega. Hanan, what was the assignment that I gave? Anand, are you here? Yes, ma'am. हाँ जी, what was the assignment जो बीच में मैंने mention की है कि तुम लोगों ने करनी है? Sorry, ma'am, नहीं पता. नहीं याद, क्योंकि नहीं सुना. बिल्कुल. सो द असाइनमेंट वाज गाइस के व्हाई इज द वॉर्टन्स डक्ट. यस मैम, स्टोन आपने बताया, स्टोन फॉर्मेशन. ठीक है, ये है और पॉइंट फॉर्म है. अगेन व्हेन आई से पॉइंट फॉर्म है और ऐसे इसमें जवाब नहीं देने, दैट इज ताकि तुम लोग जब एग्जाम में लिखो तुम लोगों को ज्यादा इजीली स्कोरिंग मिलती है. जो बंदा एसेज लिखता है, पैराग्राफ्स लिखता है, कहानियां लिखता है बेकार के, दी आपसे पूछा गया व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है, आप उसे पॉइंट फॉर्म में लिखें, द नर्व सप्लाई ऑफ द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, द ब्ला ब्ला ब्ला. डोंट डू दैट, यू आर नॉट इन क्लास टू क्लास थ्री एनीमोर. कोई आपसे अंग्रेजी नहीं प्रैक्टिस करा रहा, हैंड राइटिंग नहीं प्रैक्टिस करा रहा, दे वॉन्ट टू नो फैक्ट्स. ठीक है, so if someone asks you what is the Wharton's duct prone, why is the Wharton's duct, the Wharton's duct prone to formation of stone in it because this, no, nobody wants to hear that shit. Okay, when you write it down, you write 1, 2, and 3. 1, first reason, because it has mucus secretion. 2, because it has this. 3, to the point. If you don't do that, koi baat nahi, aap apna time zaya karte ho, aur jo examiner hai wo aapko right away points nahi deta kyunki uske paas itna time nahi hota ki wo itne zyada kahaniyan padhe. Usne aap abhi 50 logo, abhi Punjab mein kitne aur dental colleges hai, us sab ke 50 logo aur kuch ke 100 students ne exam dena hai. Theek hai, to iske mam 70 bhi hai, कुछ के 70 भी हैं. तो जब वो एग्जामिनर प्रॉफ में क्वेश्चन चेक करेगा ना, तो उसके पास किसी के पास टाइम नहीं कि वो आपकी कहानियां चेक करे. दे विल लाइक इट अगर आपने डायग्राम बनाया हो, दे विल लाइक इट अगर आपने पॉइंट फॉर्म में लिखा हो. उसी वक्त व्हेन दे सी द वर्ड्स दे वांट टू सी, दे गिव यू फुल मार्क्स. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर. इट्स ऑलवेज, जो बंदा जिसको अटेम्प्ट करना आ जाए ना, नॉलेज सबके पास दो लोगों के पास सेम होगी, एक सुपर इंटेलिजेंट होगा, एक नॉर्मल होगा. मगर अगर नॉर्मल वाले को अटेम्प्ट करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका बेहतर आता है ना, वो बंदा हमेशा ज्यादा आगे जाता है. प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग गाइस. ठीक है, सो मेरे पास आज और आई हैव एंडेड द लेक्चर हियर, वी स्टिल हैव लाइक 5 मिनट्स 7 मिनट्स. तो किसी को अगर कोई सवाल पूछना है या कुछ रिवाइज करना है, पेरोटेड से कुछ रिवाइज करना है, तो दे कैन राइट इट डाउन ओवर हियर एंड देन आई कैन डू इट फॉर यू. एंड ये असाइनमेंट है जो आपने करनी है, ठीक है, जो मैंने आपको लिख के दे दी है.
अब आपको राइट एंड नोट ऑन सब मैंडिबुलर गैंग्लियन भी लिख के दिया ना, एक सेकंड मैं ये बता दूं, अगर राइट एंड नोट ऑन सब मैंडिबुलर गैंग्लियन भी लिख के दिया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लिखना है, इसके अंदर इसका मतलब है आपने पॉइंट फॉर्म में लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है एरो बना के, देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, इट सप्लाइज अ सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड, नंबर 3 रूट्स एंड ब्रांचेस, नंबर 4 लोकेशन, इस तरह करके लिखना है। नोट वो होगा, नोट का मतलब ये नहीं कि आपने कहानी और ऐसे सुनानी है मुझे पूरी है, ठीक है। हाँ मैंने तो ये नीचे ऑलरेडी सवाल लिखा हुआ था, आई थॉट आई स्किप्ड इट आउट, सो यू जस्ट हैव 2 क्वेश्चंस, और जिन्होंने पिछली नहीं सबमिट की है वो प्लीज सबमिट कर दें असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट के क्वेश्चन संभाल के रख लिया करो, इन्हें बुक में मार्क कर लिया करो, मोस्टली देयर आस्क्ड एज एसक्यूज। हाँ जी, हु वाज आस्किंग इट, गो अहेड। मैम वो 5 एक बार दोबारा बता दें, ये पैरासिम्पैथेटिक सेंसिटिव। अच्छा पैरासिम्पैथेटिक, अच्छा आ जाओ यहाँ पे, हाँ जी मैं का जब दो तीन चीजें पढ़नी है, एक उसका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पढ़ना है, एक उसका सेंसरी सप्लाई पढ़ना है ग्लैंड का नर्व सप्लाई में, और एक उसका सिंपैथेटिक सप्लाई पढ़ना है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक हमें पता है कि इट कम्स थ्रू, इसका आपने ट्रेस करना है किधर से शुरू हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, इट गोज टू द फेशियल नर्व, गोज टू द कॉर्डा टिम्पनी, जॉइंस द लिंगुअल नर्व, गोज टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, रिलेज इन इट, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स गो टू द ग्लैंड, ठीक है, और वहां पे ग्लैंड तक जाएंगे, सिक्रीशन कराएंगे, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएंगे। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, और ये डायलेट करेंगी, ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड इंक्रीज होगा और सिक्रीशन इंक्रीज होगी। अब अल्टरनेटिवली इस पे आ जाओ, सिंपथेटिक पे, सिंपथेटिक पे आ जाओ तो क्या होगा, जो फेशियल प्लेक्सस बन रहा है फेशियल आर्टरी के अराउंड, वहां से आएगा, लिंगुअल नर्व एंटर होएगा, रिले नहीं होएगा, रिले के बगैर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से गुजरेगा, एंड इट विल गो टू द गैंग्लियन, और वहां पे गैंग्लियन और ग्लैंड, सॉरी इट विल गो टू द ग्लैंड, और ग्लैंड के वेसल्स को, ग्लैंड की वेसल्स और जो फेशियल आर्टरी थी इसको ये डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट करता, वो सॉरी कंस्ट्रिक्ट करता, जब कंस्ट्रिक्ट करेगा द ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड विल डिक्रीज एंड द सिक्रीशन विल डिक्रीज। सेंसरी फॉर एनी पेन, टच, टेम्परेचर फेल्ट ऑन द ग्लैंड, कोई पेन या कोई स्ट्रेचिंग फील होती है ग्लैंड पे, अगर कोई पैथोलॉजी होती है, कोई ट्यूमर बन जाता है, कोई ब्लॉकेज हो जाती है, कोई स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड के अंदर, तो वो पेन किस तरह प्रेजेंट होगी, थ्रू द सेंसरी सप्लाई, वो सेंसरी सप्लाई कौन लेके जा रहा है, लिंगुअल नर्व। कोई और सवाल शाहिर? No, ma'am. Anyone else? Does anyone else have a question? जो जिन शहजादों को मैंने निकाल दिया ना इस ग्रुप से, उन्हें ये असाइनमेंट जो है ना बता लेना, कोई इसकी तस्वीर ले ले, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, एंड पोस्ट दिस इन द ग्रुप। और जिनको निकाला है, आई थिंक उनको पता भी नहीं चला कि उनको निकाला, दे डिडंट इवन बॉदर एडिंग देमसेल्व्स बैक। टेक अ स्क्रीनशॉट, सेंड इट इन योर ग्रुप एंड टेल एवरीवन टू सेंड इन द असाइनमेंट्स। मैम आपने पेरोटिड ग्लैंड में पोस्टोमीडियल सरफेस के जो रिलेशंस बताए थे, स्टॉयलाइट प्रोसेस, कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड शीट, इसमें मैम जो इसके अलावा आपने मसल्स और नर्व्स भी बताई थी, वो भी सब हम सारी लिखेंगे पेपर में, सब कुछ लिखेंगे। पोस्टोमीडियल सरफेस, पोस्टोमीडियल, यस मैम। पोस्ट्रोमीडियल में मैंने तुम लोगों को बताया था स्टाइलेट प्रोसेस, कैरोटिड शीट है और मैस्ट्रॉइड प्रोसेस था।
नहीं इसके आगे आपको चीजें लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्टेंट्स ऑफ कैरोटिड शीट तो हर वक्त याद रहने चाहिए ना, नींद में हर वक्त, ठीक है। बाकी चीजें आप लिख सकते हैं, स्टाइलेट प्रोसेस और मैस्टर्ड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन के पीछे, ठीक है। आपसे कोई अनलाइकली है, हाईली अनलाइकली है कि सिर्फ सवाल में लिखा है कि रिलेशन ऑफ द पोस्ट्रामीडियल सर्फेस लिखे, सवाल इसी तरह आते हैं कि रिलेशन ऑफ द पैरोटिड लिखे, तो आपने इन सारों को लिखना है, जैसे भी रिलेशन मैंने बताई है, बॉर्डर्स, एपेक्स, बेसिस, तो आपने उसे छोटा छोटा करके लिखना है, वरना तो ये दो तीन पेजेस भर जाएंगे, इतना टाइम किसी के पास पढ़ने को नहीं होगा। सो यू हैव टू मेक इट नाइस एंड नीट के रिलेशन ऑफ इंफीरियर बॉर्डर पे ये जा रहा है, इंटीरियर पे ये जा रहा है, पोस्टीरियर पे ये जा रहा है, उसे पॉइंट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके तीन चार इम्पोर्टेंट वाले लिख देने, कम अज कम तीन लिखने हर किसी के अंदर, अनलेस किसी एक में एक ही है, और उसे सिर्फ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट वाला लिखना है, ठीक है। Okay. टाइम अप हो गया, अगर किसी और का सवाल है तो पूछ लो, वरना आई विल एग्जिट दिस।